गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आप सभी का स्वागत है, आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो गाइस मैं अभी आया हुआ हूँ लाल कुआ जंक्शन पर। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ कहाँ, तो एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जो कि आप भी देखकर सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ कैंची धाम, जाऊँगे कैंची धाम जो कि नीम करौली बाबा धाम जा रहा हूँ मैं। तो गाइस कुछ रेलवे स्टेशन देख सकते हो इधर की तरफ से, और एक नंबर प्लेटफॉर्म उधर की साइड है। तो गाइस मैं उधर नहीं गया हूँ बट इधर की साइड हूँ, क्योंकि ट्रेन अभी मेरी 9 बजे है। तो मैंने सोचा इधर ही रहूँ। तो अपने ये सामने खड़ी ट्रेन ये बरेली जाएगी, और ये चेक करो। तो फाइनली ये चेक करो लाल कुआ जंक्शन। गाइस लाल कुआ जंक्शन पर आने के बाद मैं अब मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ। मैं यहाँ से निकलूँगा बाहर की तरफ। ये हार मत दिए भैया। ये व्यू देखो सामने का कितना अच्छा। और सुबह मॉर्निंग में अच्छी हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा जबरदस्त व्यू रखा है। ये स्टेशन के बाहर से आगे यहाँ का व्यू देखोगे तो इस तरीके का है। तो थोड़ी गंदगी सी तो लगी मुझे, ऐसा नहीं है गंदगी नहीं हो, बट तभी स्टेशन देखा ना तो साफ था। बट स्टेशन के बाद थोड़ी गंदगी होती है, वो तो हर जगह होती है, बट एनी वे तो उससे कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब भी जो गंदगी फैला रहे हैं वो गंदगी ना फैलाएं, यही मानना है मेरा। ऐसे चेक करो ये भाई सामने से आ रहा है, और अब पहुंचेंगे हम यहाँ से रोडवेज लेंगे, फिर जाएंगे नीम करौली बाबा के धाम, फिर वहाँ पर। तो यहाँ से मुझे फाइनली बस मिलेगी, उस जगह लोकेशन पे आ गया हूँ। तो अभी 6 बजे की बस है और अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी देखो ये कैंची धाम चिल्ला तो रहे हैं, बट मैं उनके पास जा रहा हूँ, वो पूछूंगा कितना प्राइस वगैरह है। गाइस तो फाइनली पहुंच गया मैं कैंची धाम। तो जहाँ नीम करौली बाबा का धाम है वहां पर बैकग्राउंड में देख सकते हो। और गाइस सुकून है बहुत जबरदस्त। फाइनली मैं यहां पर करने वाला हूं ब्रेकफास्ट। तो नहाने के बाद मैं फाइनली हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम, जा रहा हूं दर्शन करने के लिए। काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, काफ़ी टाइम और फाइनली मैं यहाँ से निकल रहा हूँ कैंची धाम से, और अब फाइनली आगे का रास्ता जो देखेंगे तय करेंगे। तो नैनीताल भी थोड़ा पास में ही है, 5-6 किलोमीटर के करीब है। तो आई थिंक बस देखता हूँ कहाँ ना जाता हूँ, यहाँ से टैक्सी वगैरह लूँगा। तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है मेरा मैं कहाँ जाने वाला, तो डिसाइड करता हूँ अभी। और वैसे तो यहाँ अगर इतना सुकून मिला है ना गाइस, लाइफ में आप भी आओ ना तो ज़रूर आना यार, बहुत अच्छी जगह है। तो चलते हैं आगे।